हेलो दोस्तों, वेलकम बैक, वेलकम टू एमवाई। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एनर्जी एंड पावर का कॉन्सेप्ट। एनर्जी आपकी दो टाइप की हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसके अलावा हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आज कराने वाले हैं वो है पावर। तो मतलब दो इन टॉपिक को हम कवर करेंगे, दो टॉपिक को आज के लेक्चर में कवर करेंगे। एक है आपकी एनर्जी और एक है पावर, क्योंकि इससे पहले वाले हम लेक्चर में वर्क डन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझ चुके हैं। उसको हम एक बार यहां पर रिवाइज करवा देते हैं कि जितने भी हमने वर्क डन के फॉर्मूले आपको बताए थे, वो सारे फॉर्मूले हम यहाँ पर आपको रिवाइज करवाने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर वर्क डन के फॉर्मूले की बात करें, जब फोर्स को अगर हम कॉन्स्टेंट मानते हैं, जब हम फोर्स को कॉन्स्टेंट मानते हैं, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है W = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है उसका कॉस, यानी एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। फोर्स जब कॉन्स्टेंट होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला वर्क डन के लिए यूज करते हैं। सेकेंड जो फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर आपको फोर्स वैक्टर फॉर्म में गिवेन हो और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी वैक्टर फॉर्म में गिवेन हो, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन होगा तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर एफ और वेक्टर आर या वेक्टर एस का हम क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। मतलब जो वेक्टर में कॉन्सेप्ट होता है, जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, एक एक मेथड होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक मेथड होता है वेक्टर प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो वो वेक्टर प्रोडक्ट के थ्रू मिलती है। जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं और हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो उसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट के थ्रू मिलती है। तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमें वर्क डन देगा, यानी स्केलर क्वांटिटी देगा। तो ये सेकेंड फॉर्मूला है वर्क डन का। अगर फोर्स वेरिएबल है डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा है, अगर फोर्स वेरिएबल है और डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा है, तो हम थर्ड जो फॉर्मूला यूज करेंगे वर्क डन का, वो होता है आपका इंटीग्रेशन x1 से लेकर x2। आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा कि इस डिस्प्लेसमेंट से लेकर इस डिस्प्लेसमेंट तक का आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो x1 से x2, और जो भी फंक्शन गिवन होगा फोर्स का, उसको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमें वर्क डन मिल जाता है। तो ये तीन फॉर्मूले हो गए वर्क डन का। फोर्थ फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो फोर्थ फॉर्मूला होता है वर्क डन का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम वर्क डन कहते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो कि होती है आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मेरे हिसाब से आपको पॉइंट क्लियर हो गया। और फिफ्थ यहां पर फॉर्मूला याद रखना, जो वर्क डन का होता है वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जितने भी हमने आपको फॉर्मूले बताए, ये सब के सब वर्क डन के लिए हम यूज करते हैं। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हम वर्क डन का फॉर्मूला यूज करते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में हम कवर करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। तो आप सभी एक बार सेशन को लाइक कर लें और सभी स्टूडेंट तक इसको शेयर कर दें, जिससे कि जितने भी स्टूडेंट डिफेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबकी ये फिजिक्स के जो हम कॉन्सेप्चुअल क्लास करवा रहे हैं, इससे उनको फायदा मिले। और वो ये जितने भी हम क्लास आपको करवा रहे हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं फिजिक्स के, यहाँ से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें करवा रहा हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं यहाँ पर एनर्जी की। एनर्जी क्या होती है? तो सबसे पहले हम एनर्जी देखेंगे, दोनों टाइप की एनर्जी, जितने भी टाइप की एनर्जी है, कन्वर्जन भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कार्य करने की जो क्षमता है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। अगर हम बेसिक लैंग्वेज में बात करें तो कार्य करने की जो क्षमता है ना, उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर हमने कम काम कर पा रहे हैं या फिर हम कम काम कर पा रहे हैं, तो कह देते हैं इसके पास एनर्जी नहीं है। हम कहते हैं कि अगर ये बहुत ज्यादा काम कर रहा है, कोई अगर बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो हम कह देते हैं कि इसके पास यार बहुत एनर्जी है, इसके पास बहुत ऊर्जा है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में आपको याद रखना है, वर्क डन इज द एनर्जी, मतलब यहाँ पर एनर्जी इज द एबिलिटी टू वर्क, है ना। और हमने एक बात और बताई थी, कार जो होता है वर्क डन, वो भी एनर्जी की फॉर्म है। मतलब कार इज द वर्क डन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कार ऊर्जा का रूप है। बिल्कुल उसका अपोजिट अगर हम यहाँ पर बात करें तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, है ना। तो कार ऊर्जा जो है ना, वो कार्य करने की क्षमता है। अगर किसी कोई ज्यादा वर्क कर रहा है तो मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा है, अगर कोई कम वर्क कर पा रहा है तो मतलब उसके पास एनर्जी कम है। सिंपल सा लॉजिक है।
इसके बाद में हम बात करते हैं, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ एनर्जी विच इंक्लूड थर्मल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जैसे बहुत सारे टाइप की एनर्जी होती हैं। जैसे इनमें से एक हो गई आपकी थर्मल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा, रेडिएंट एनर्जी हो गई, ठीक है, और विकिरण ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं, एक होगी केमिकल एनर्जी जिसको रासायनिक ऊर्जा बोलते हैं, ऐसे न्यूक्लियर एनर्जी है जिसको हम परमाणु ऊर्जा कहते हैं, ऐसे बहुत सारी टाइप की एनर्जी है। लाइट एनर्जी होती है, प्रकाश ऊर्जा, जैसे साउंड एनर्जी होती है ना, साउंड एनर्जी होती है जिसको हम ध्वनि ऊर्जा कहते हैं, ऐसे बहुत से टाइप की एनर्जी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे हीट एनर्जी हो गई, लाइट एनर्जी हो गई, साउंड एनर्जी हो गई, केमिकल एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, विद्युत ऊर्जा हो गई, ये सब एनर्जी की अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। क्लियर है? अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे यहाँ पर धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी की, लेकिन उससे पहले अब हम किसी भी टाइप की एनर्जी की यूनिट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो जरा ध्यान से देखेंगे। जो एनर्जी की एसआई यूनिट होती है वो है जूल, जिसका सिंबल होता है जे। एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल, जिसका सिंबल है जे। और एनर्जी की सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में जो एनर्जी होती है यूनिट होती है वो होती है अर्ग, ठीक है। एनर्जी की सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है अर्ग, और एनर्जी की एसआई सिस्टम में यूनिट होती है जूल, और इन दोनों में रिलेशन होता है। एक जूल बराबर होता है 10^7 अर्ग के। क्या याद रखोगे? एक जूल किसके बराबर होता है? 10^7 अर्ग के। और यहां याद, एक पॉइंट और याद रखना, जो कैलोरी है ना ये भी एनर्जी की यूनिट है। जैसे हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जो भी हम लोग चीज खाते हैं, तो जो भी हम लोग फूड खाते हैं, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, उसको हम कैलोरी के फॉर्म में एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, किलो कैलोरी के फॉर्म में एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एसआई यूनिट तो इसकी जूल हो गई, और सीजे सिस्टम में इसकी यूनिट अर्ग हो गई, और इसकी कैलोरी भी यूनिट होती है। एक जूल में 10^7 अर्ग होते हैं, ठीक है, और एक कैलोरी में 4.184 जूल होते हैं। तो एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? 4.182, जिसको हम अप्रोक्सीमेट 4.2 लिख सकते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी एनर्जी की यूनिट होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें, ये भी एनर्जी की यूनिट होती है, और ये होती है 1.6 × 10^-19 जूल के। जो हम इलेक्ट्रॉन या फोटोन की एनर्जी को लिखते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सबसे बहुत छोटी इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसके अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, तो सब जितनी भी टाइप की एनर्जी होगी उन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला ML²T-2 हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जितने भी टाइप की एनर्जी है उन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला ML²T-2 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे एक जूल में 10^7 कितने? 7 अर्ग होते हैं। अगर हम यहाँ पे अपोजिट कर दें, एक अर्ग में कितने में? एक अर्ग में 10^-7 जूल होते हैं। क्या याद रखोगे आप? एक अर्ग में 10^-7 जूल होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यानी टाइप ऑफ एनर्जी के। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी आती है काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। सेकंड टाइप की एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हम यहाँ पे टाइप ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, ऊर्जा के प्रकार की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले अदर फॉर्म्स भी हैं, बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं एनर्जी की। हम उन सभी फॉर्म्स की यहाँ पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम बस कन्वर्जन देखेंगे। जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो आपके सिलेबस में, वो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहां पर सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। देखो, काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगी? वो सभी मटेरियल जिनके पास मास हो और जिनके पास वेलोसिटी हो। वो सारे मटेरियल जिनके पास मास हो, जिनके पास वेलोसिटी हो, आप कह देंगे इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। मतलब कोई भी पार्टिकल है m किलोग्राम का, m ग्राम का, कितने भी मास होना चाहिए, कोई भी पार्टिकल है अगर वो मूव कर रहा है, उसके पास v वेलोसिटी है, अगर वो मूव कर रहा है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है k = 1/2 mv². इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। इसी गतिज ऊर्जा की वजह से, इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। बात समझ आ रही है? जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये यहाँ पर ये गैस के पार्टिकल हैं। ये क्या है? गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ये जितने भी आपको सिलेंडर में, ये कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, ये सब इधर उधर भाग रहे हैं, ये इधर उधर रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये रैंडम मूवमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। क्या है? इनके पास, सभी मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv². m इन पार्टिकल का या इन मॉलिक्यूल्स का मास है, और v इन मॉलिक्यूल्स की, इन जितने भी पार्टिकल हैं इन सबकी वेलोसिटी है। बात समझ आ रही है? तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी। यहां पर सिंपल सा लॉजिक याद रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी।
एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी ऑब्जेक्ट के पास उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। अब यहां पर याद रखना, जो काइनेटिक एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के स्क्वायर के। इसका क्या मतलब है, अगर आपने किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी 4 times हो जाएगी, और अगर आपने वेलोसिटी को 3 times कर दिया किसी पार्टिकल की तो काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल की 9 times हो जाएगी, मतलब स्क्वायर हो जाएगी। बात क्लियर है? अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को आपने 4 times कर दिया तो उस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 16 times इंक्रीज हो जाएगी, इसी तरीके से डिक्रीज होगी। अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी डबल हाफ कर दी आपने तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो 4 times कम हो जाएगी। अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को 3 times कम कर दिया तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की वो 9 times कम हो जाएगी। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मोमेंटम में और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। जैसे हमने आपको बताया था कि कोई हमारे पास m किलोग्राम का कोई पार्टिकल है, मान लीजिए गाइस हमारे पास ये m किलोग्राम का एक पार्टिकल है, और ये जो m किलोग्राम का पार्टिकल है ये v मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। m किलोग्राम का कोई पार्टिकल है जो v मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये जो m किलोग्राम का पार्टिकल है इसके पास एक तो है काइनेटिक एनर्जी जिसको हमने लिखा हाफ एम वी स्क्वायर, और एक इसके पास क्या है मोमेंटम है जिसको हम क्या लिखेंगे p बराबर मास इनटू वेलोसिटी लिखेंगे। अब इन दोनों में रिलेशन कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी में हम मास का ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास, और एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं मोमेंटम का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मेरे भाई यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है पी स्क्वायर लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 times मास। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखेंगे। मतलब अगर मास को कॉन्स्टेंट मान लें, मास को हमने अगर कॉन्स्टेंट मान लिया तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो मोमेंटम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर आपने किसी पार्टिकल का मोमेंटम डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल की कितनी हो जाएगी 4 times हो जाएगी। अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम 3 times कर दिया तो उस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 9 times हो जाएगी, क्योंकि जो मोमेंटम है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, क्योंकि यहां से आप देखेंगे तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेलोसिटी के। तो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी मोमेंटम भी वैसे ही बढ़ेगा, मतलब किसी पार्टिकल की वेलोसिटी में जो चेंज आएगा उसी के अकॉर्डिंग उस पार्टिकल के मोमेंटम में चेंज आएगा, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो मोमेंटम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। बात क्लियर है ना? अब ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, पार्टिकल का मोमेंटम रूट एम 2m के होता है, ठीक है। m क्या है पार्टिकल की मास और k क्या है पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यहां से आपके एग्जाम में प्रीवियसली कई बार क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो इतना नोट कर लिया आपने, बहुत अच्छे। आगे बात करते हैं गाइस। अब देखो जैसे काइनेटिक एनर्जी किसके किसके पास होगी, ऐसी वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है ऑल मूविंग व्हीकल पजेसेस काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सी बात है, जितनी भी व्हीकल मूव कर रही हैं, जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं तो उनके पास वेलोसिटी है, उनके पास मास है, तो इसका मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो मूव कर रही हैं। जैसे मूविंग वाटर पजेसेस काइनेटिक एनर्जी विच इज यूज टू रन टर्बाइन। आपने देखा होगा हमने ये टर्बाइन एक बनाया, हमने ये क्या बनाया एक टर्बाइन बनाया, इस तरीके से हमने गाइस ये एक टर्बाइन बनाया और इसको हमने जो पानी आ रहा है बड़ी तेजी से उस रास्ते में रख दिया, तो जब पानी इस पर बहुत तेजी से गिरता है आके तो ये टर्बाइन क्या करता है घूमता है। तो पानी जो मूविंग वाटर है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से इस टर्बाइन को घुमाएगा, इस टर्बाइन को टर्न कराएगा। तो जब ये टर्बाइन को घुमाएगा तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो याद रखेंगे जो मूविंग वाटर है वो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, वो उसी मूविंग वाटर का यूज करते हैं टर्बाइन को घुमाने के लिए, जिससे कि जो टर्बाइन है वो जब वो घूमेगा तो वो मूविंग वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको कन्वर्ट करेगा किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मेरे ख्याल से दो पॉइंट दो सिचुएशन आपको समझ आ गई। आगे बात करते हैं, एक होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम को हम कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। इसमें हम एक सिचुएशन समझाएंगे, उस सिचुएशन को जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन ए बॉडी। किसी भी बॉडी पर
जितने भी फोर्स लग रहे हैं किसी भी बॉडी पर, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसके द्वारा जो हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं वो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा उसके बराबर होता है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझते हैं, मान लो हमारे पास गाइज ये एक एम किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एम किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट है, ये इनिशियली यू मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल, तो इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर होगी। ठीक है, अब इस पर आपने एक फोर्स अप्लाई कर दिया, आपने अगर इस पर एक फोर्स अप्लाई कर दिया तो अब ये एम किलोग्राम का जो ऑब्जेक्ट था जो यू मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था, अब इसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो यहां पर मान लीजिए इसकी जो एम किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर वी मीटर पर सेकेंड होगी, क्या होगी, वी मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है ना, तो अब इसके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जब m किलोग्राम का जो ऑब्जेक्ट है या m किलोग्राम का कोई पार्टिकल है वो u मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था, जब उस पर किसी ने फोर्स अप्लाई कर दिया जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, v मीटर पर सेकंड आ गया, तो उसके पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी अब वो चेंज होकर फाइनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इसका मतलब आप हम यहाँ पे जो चेंज निकालेंगे ना काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या आ जाएगा, वही वर्क डन कहलाता है। तो वर्क डन हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम बी स्क्वायर, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर। यहां से एक बटे दो एम कॉमन ले लेंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हो जाएगा वर्क डन। तो मेरे दोस्त वर्क डन का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आ जाएगा 1/2 मास इंटू में 1/2 इंटू में मास और अंदर हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये होती है काइनेटिक एनर्जी का, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जिसे हम वर्क डन भी बोलेंगे, जिसे हम वर्क डन भी बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया। तो यहाँ पर वर्क डन को हमने किसके इक्वल किया है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो मतलब ये काइनेटिक एनर्जी यानी एनर्जी और वर्क डन का रिलेशन शो कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको क्या कहा जाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहा जाता है। मेरे ख्याल से आप सभी को पॉइंट क्लियर हो गया, वर्क एनर्जी थ्योरम। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। किसी पार्टिकल के पास या किसी ऑब्जेक्ट के पास उसकी पोजीशन की वजह से, उसकी स्थिति की वजह से जो ऊर्जा होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में हमें समझना है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है। हमारे जो डिफेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिल्कुल बेसिक से पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए और बेसिक्स को अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आपके ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे आपसे कहा गया पोटेंशियल एनर्जी, तो इट इज द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन। अब इस पोजिशन का क्या मतलब है कि कैसे एनर्जी स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने धनुष लिया, आपने क्या लिया, एरो लिया और बो लिया, तो वो एरो को आपने देखा, जब हम एरो को खींचते हैं तो हमने जो वर्क किया ना खींचने में, जब हम धनुष को खींचते हैं उसके वायर को जब हम खींचते हैं तो हम जो वर्क करते हैं वही वर्क उस पोजीशन पर, आपने खींच कर ऐसे छोड़ दिया, ऐसे आपने खींच कर जैसे ऐसे होल्ड कर रखा है, आपने धनुष को खींच कर होल्ड कर लिया, तो उस स्थिति में उस पोजीशन में उसके पास जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। और जैसे ही आपने धनुष को छोड़ दिया, ऐसे हाथ से हटा दिया, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। या फिर आपने देखा होगा जो बांध होते हैं ना, जो डैम होते हैं, तो बांध में एच हाइट पर पानी भरा रहता है, बांध में एच हाइट तक पानी भरा रहता है, तो जो पानी भरा रहता है ना गाइस, जो पानी भरा रहता है एच हाइट तक, वो उस पोजीशन में उस स्थिति में उसके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा होती है। या फिर आप ये कह लो हमने 10 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट या m किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट जमीन से एच हाइट ऊंचाई पर रख दिया, हमने कोई m किलोग्राम का ऑब्जेक्ट जमीन से एच हाइट ऊंचाई पर रख दिया, तो उस सिचुएशन में उस स्थिति में उस पोजीशन में उस ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। बात क्लियर है ना, इसको हम जरा ऐसे समझते हैं, इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए हमारी ये ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है, इसको हमने बोल दिया ग्राउंड, जो कि हम रेफरेंस ले रहे हैं, और ये है हमारे पास m किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट, ये m किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को उठाकर h हाइट ऊंचाई पर रख दिया आपने, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर
एच हाइट ऊंचाई पर यहां पर रख दिया आके। अब इसके पास जो एनर्जी है इस स्थिति में, इस पोजीशन में, वो हो जाएगी एम जी एच, और इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब ये एम जी एच कहां से आई होगी? एम जी एच आई होगी, ये एम किलोग्राम का जो ऑब्जेक्ट था ना गाइस, ये एम किलोग्राम का ऑब्जेक्ट, इसको नीचे की ओर कौन खींच रहा होगा? नीचे की ओर एक फोर्स से ये अर्थ खींच रही होगी, है ना। अर्थ इस एम किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर खींच रही होगी, जिसको हम वेट कह देते हैं, जिसको हम फोर्स बोल देंगे। ये एम जी फोर्स से अर्थ इस एम किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रही होगी। अब इस ऑब्जेक्ट को उठाना है, अगर हमें एच हाइट ऊंचाई पर उठाकर रखना है, तो हमें कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? हमें कम से कम एम जी के बराबर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब हम इस एम किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा पाएंगे। तो हमने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ और इसको उठा रहे हैं ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट है, तो जो वर्क डन आएगा, वर्क डन आ जाएगा, फोर्स कितना लगाया? एम जी, डिस्प्लेसमेंट कितना है? एच है। तो क्या जो वर्क डन है वो एम जी एच है? और यही जो वर्क डन आपने किया है ना इस एम किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर, वही स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, वही स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब आगे बात समझ में? तो ये पॉइंट आपको गाइस याद रखना है। और जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है, ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड है। तो ये दो तीन फॉर्मूले आपको, दो तीन पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या बताया? हमने कहा इट इज द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन। जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो स्थिति जुड़ जाए, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी मटेरियल की, उसकी पोजीशन की वजह से, उसकी स्थिति की वजह से होती है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास m किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, अब इस m किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को आपने h हाइट ऊंचाई पर उठाकर रख दिया जस, अब जो उसकी स्थिति है ना, अब जो उसकी पोजीशन है, उसके पास जो एनर्जी होगी उसे बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। बात क्लियर है? ठीक है ना, अभी इसको और हम समझेंगे। तो यहां पर आई होप आपको समझ आया होगा। सेकंड पॉइंट आप याद रखेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। अब कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं? हमने आपको बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, हमने आपको बताया था जो स्प्रिंग फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसका ये मतलब है स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स है, इनकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। इसीलिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कौन सी निकालते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और स्प्रिंग फोर्स की वजह से कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं इसके वर्क एनर्जी थ्योरम की, जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। अब जरा ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ ली, हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ ली, अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करने वाले हैं। ध्यान से समझिए, जैसे हमने ये रेफरेंस लिया, हमारा ये ग्राउंड है, ठीक है, ध्यान से सभी स्टूडेंट समझेंगे। हमने ये ग्राउंड लिया, ये क्या लिया? ग्राउंड लिया, ठीक है। अब इस ग्राउंड पर, ये ग्राउंड पर हमने ये एम किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट लिया, इस ग्राउंड पर हमने ये m किलोग्राम का गाइस कोई ऑब्जेक्ट लिया, इस तरीके से ये m किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है ग्राउंड पर। तो जब ये ग्राउंड पर m किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, m किलोग्राम का ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर रखा है, तो अभी इसकी जो हाइट है, रेफरेंस हाइट, क्योंकि ग्राउंड पे हमने इसकी हाइट को क्या मान लेंगे? हाइट को जीरो मान लेंगे। तो यहाँ पर ग्राउंड में इसकी हाइट जीरो है, इसकी हाइट क्या है गाइस? जीरो है। तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होगी, क्योंकि हमने ग्राउंड को रेफरेंस माना है। तो इस पॉइंट पर इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो तो जीरो होगी, होगी कि नहीं? अब यहाँ पे इसको हम v वेलोसिटी से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, कितनी? v मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर ले जा रहे हैं। तो अभी इसके पास जो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी 1/2 mv2। इतनी बात समझ आ गई। अब ये मान लो ये जो m किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है आप ऊपर ले जा रहे हो, इसको आप ऊपर ले जा रहे हो इस तरीके से, और m किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को ले जाते आपने यहां पर सुरक्षित रख दिया, ठीक है, यहां पर आपने इसको रख दिया, इस पॉइंट पर इस m किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को लाकर यहां रख दिया, ठीक है, यहां पर। अब ये जो m किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, ध्यान से समझिए, ये जो m किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, मैक्सिमम हाइट पर जाकर इसकी वेलोसिटी हो जाती है जीरो। तो ये जमीन से आप कितनी हाइट पर ले गए? एच मीटर की हाइट पर ऊपर ले गए जमीन से, ठीक है। जब आप जमीन से h ऊंचाई पर ले गए, तो आपने जो वर्क किया होगा mgh के बराबर, वही यहां पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा,
mgh के बराबर, वही क्या बन जाएगा यहाँ पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो हो गई होगी, तो इसीलिए फाइनल जो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम पॉइंट पर जीरो हो जाएगी। मैक्सिमम पॉइंट पर फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी। सिंपल सी बात है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर थ्रो करेंगे तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाते जाते मैक्सिमम हाइट पर रुक जाता है, वहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फिर वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम टोटल एनर्जी देखें तो टोटल एनर्जी ध्यान से देखिएगा सभी स्टूडेंट, टोटल एनर्जी इनिशियली, इनिशियल टोटल एनर्जी जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और जो यहां पर मैक्सिमम पॉइंट पर देखें तो मैक्सिमम पॉइंट पर जो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी होगी, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये कंजर्व रहती है। मतलब इनिशियल टोटल जो काइनेटिक और टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा बराबर होगी फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बराबर होगी किसके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ एनर्जी कंजर्व रहती है। जैसे यहाँ पर ग्राउंड पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, उसको वी मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हमने ऊपर थ्रो किया तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो मैक्सिमम थी। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज होगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, और जितनी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी वो कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, अब हमें पता है साथ साथ में हाइट बढ़ती जा रही है, तो हाइट बढ़ने की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी ठीक है उतनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। यहां पे बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है ना, सिंपल सा लॉजिक है गाइज। तो यहां पर हमने क्या बताया, ये m किलोग्राम का जो ऑब्जेक्ट है इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जैसे जैसे m किलोग्राम का ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, जैसे जैसे m किलोग्राम का ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, और वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो वेलोसिटी के डिक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, और जितनी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी वो किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही बढ़ती जाएगी, और मैक्सिमम हाइट पर जाते जाते काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो, क्योंकि वहां पर वेलोसिटी जीरो हो गई, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि मैक्सिमम हाइट है उस पॉइंट पर। तो यानी कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। ठीक है ना, तो यही आपको याद रखना है, इन ए क्लोज सिस्टम दैट इज ए सिस्टम दैट इज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है ना, बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। जैसे हम वाणिज्यिक गति देख एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की वो हम देखने वाले हैं। आपके घरों में जो मीटर लगा होता है, जरा ध्यान से देखो, मीटर जो लगा होता है ना हमारे घरों में, आपके घरों में जो मीटर लगा होता है उस मीटर में किलोवाट आवर में एनर्जी लिखी होती है। ये देखो, ये यहां पर लिखा होगा किलोवाट आवर, ये दिख रहा है किलोवाट आवर, और इसी किलोवाट आवर को हम यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, किलोवाट आवर को हम यूनिट कहते हैं। तो ये है कमर्शियल यूनिट एनर्जी की, इसी को हम यहां पर डिटेल में देखने वाले हैं। जरा ध्यान से देखिए, कमर्शियल यूनिट क्या का क्या मतलब है। जैसे हमें पता है पावर का फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन में टाइम, तो यहां से पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, एक वॉट, और एनर्जी की अगर पावर की यूनिट वॉट होती है तो अगर हम एक वॉट की वैल्यू निकालें तो एनर्जी की क्या आ जाएगी यहाँ से, जूल, तो एक जूल अपॉन में सेकंड को हम एक वॉट कहेंगे। तो इसका मतलब एक जूल किसके बराबर होता है, एक जूल बराबर होता है एक वॉट इंटू सेकेंड के। तो ये पॉइंट जरा याद रखिएगा, एक वॉट इंटू सेकेंड को हम क्या कहते हैं, एक जूल कहते हैं। ठीक है ना, और ये जूल किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। तो इससे आपको ये पता चल रहा है जो एनर्जी है ये किसके बराबर होती है, पावर इंटू टाइम के। अगर पावर और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एनर्जी मिल जाएगी, पावर और टाइम को अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। तो अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं किसकी,
कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की, जो हम अपने घरों में जो वाणिज्यिक इकाई है किसकी ऊर्जा की उसको हम बात करेंगे, उसको हम बोलते हैं यूनिट या किलोवाट आवर। तो जो एक यूनिट या एक किलोवाट आवर है इसमें 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे ये पूछा जाए कि वाणिज्यिक इकाई क्या है, यानी कि कमर्शियल यूनिट एनर्जी की क्या है, तो याद रखना किलोवाट आवर, इसी को हम बोलते हैं यूनिट, इसी को क्या कहा जाता है यूनिट। जो घरों में बिजली बिल आता है 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट एक महीने में, उसी का मतलब है ये यूनिट, है ना। तो एक किलोवाट आवर का मतलब है यूनिट। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे जूल में। देखिए एक किलोवाट आवर, हमें पता है एक किलो में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट, यानी इसको हमने लिख दिया 10³ वाट। एक किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 10³ वाट, ठीक। इंटू घंटे को हम सेकेंड में कन्वर्ट करें, तो पहले मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई इंटू फिर 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तब सेकेंड में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। अब इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक किलो वाट आवर आपको मिलेगा 3.6 × 10³। और ये वाट इंटू सेकेंड को हम क्या लिख देंगे, जूल लिख देंगे। तो ऐसे आपको एक किलो वाट आवर की वैल्यू पता चलती है 3.6 × 10³ जूल। क्लियर है ना। आपको एक किलो वाट की जगह 1000 वाट लिखना है, आपको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 × 62 यानी 3600 सेकेंड लिख देंगे। फिर हम इसको कैलकुलेट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो एक किलो वाट आवर है उसका मतलब होता है 3.6 × 10³ जूल। अब यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी वाट आवर पूछ लेता है, यानी एक वाट आवर में कितने जूल होते हैं। तो याद रखो एक वाट ऐसे ही रहने दीजिए, आर्स को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 × 60 तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब ये कैलकुलेट होके आ जाएगा 3600 वाट × सेकंड। अब जो 3600 है इसको हम लिख सकते हैं 3.6 × 10³ स्टैंडर्ड नोटेशन में, और जो वाट सेकंड है इसको हम जूल लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एक वाट आवर में आपके 3.6 × 10³ जूल होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो आपको समझ आ गया कि जो वाट आवर है ये एनर्जी की यूनिट है, किलो वाट आवर भी एनर्जी की यूनिट है। क्लियर है। अब हम यहां से अगर आपसे कैलकुलेशन नंबर ऑफ यूनिट पूछी जाए, नंबर ऑफ यूनिट कितनी होगी, यूनिट की संख्या कितनी होगी, या नंबर ऑफ किलो वाट आवर पूछा जाए, तो आपके लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला है कि पावर जितनी भी गिवेन हो उसको किलो वाट में कन्वर्ट कर लो। यानी अगर आपको नंबर ऑफ किलो वाट आवर निकालने हैं तो आपको करना क्या है, जो भी पावर हो जितनी भी पावर गिवन हो उस पावर को आप किलो वाट में कन्वर्ट कर लीजिए और मल्टीप्लाई कर दो टाइम को, कन्वर्ट कर दो आर्स में, यानी टाइम को आर्स में और पावर को किलो वाट में लेकर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ किलो वाट आवर या नंबर ऑफ यूनिट पता चल जाएगी। और अगर आपको एक यूनिट का खर्चा पता हो, एक किलो वाट आवर का खर्चा दे दिया उन्होंने मान लो ₹2 इस तरीके से दे दिया, तो आपको क्या करना है, पहले नंबर ऑफ यूनिट पता चल जाएंगी, नंबर ऑफ किलोवाट आवर पता चल जाएंगे, तो आप उसमें फिर जितना भी एक यूनिट का खर्चा गिवन होगा उसका मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल कॉस्ट भी मिल जाएगी। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके एनडीए और डिफेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा ये कमर्शियल यूनिट का मतलब, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपसे पूछा जाए मोटर का काम क्या है, तो मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। आपने देखा होगा कि मोटर जब घूमती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से घूमती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एज ए इनपुट देते हैं, फिर जब मोटर घूमती है तो उसके ऊपर हम पंखड़ियां लगा देते हैं तो फिर पंखा बन जाता है वो, है ना, तो वो मैकेनिकल एनर्जी बन जाती है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है कौन, मोटर। और इसका जस्ट उल्टा काम करता है जनरेटर। जनरेटर का काम क्या है, जो हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस है जनरेटर, ठीक है ना। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है जनरेटर, और जो मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये दो पॉइंट आपको अच्छे समझ आ गए। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल बल्ब की। आपने देखा होगा जब हम इलेक्ट्रिकल बल्ब को जलाते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी दोनों में कन्वर्ट करता है। क्योंकि आप जब इलेक्ट्रिकल बल्ब को पकड़कर देखोगे ना, उसको टच कर देखोगे, तो जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है बहुत गर्म हो गया होगा, आपके हाथ भी जल सकते हैं, है ना। तो जो इलेक्ट्रिकल बल्ब हुआ करता था
बहुत गर्म हो जाता है, तो इसका मतलब, और वो लाइट भी देता है, उसकी वजह से हम आसपास की चीजें देख पाते हैं, तो इसका ये मतलब है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो एक तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है एक लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। किसकी मदद से? इलेक्ट्रिकल बल्ब की मदद से। तो जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है वो हीट और लाइट दोनों में कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, यानी इलेक्ट्रिकल बल्ब कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। बात समझ आ रही है? यह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाशीय ऊर्जा दोनों में परिवर्तित करता है। कौन? इलेक्ट्रिकल बल्ब। ठीक है, बात करते हैं डायनमो की। डायनमो की अगर हम बात करें, ये भी जस्ट आपका जनरेटर की तरह होता है, लेकिन ये डीसी के लिए अगर हम बात करें, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर आपसे ये पूछा जाए डायनमो का काम क्या है, तो ये डीसी जनरेटर की तरह काम करता है। तो डायनमो की आप याद रखेंगे, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है डायनमो। ठीक है ना, बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। आपने न्यूक्लियर रिएक्टर में देखा होगा कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। वहां पे नाभिकीय रिएक्टर भट्टी में, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी पावर को जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। किसका प्रोडक्शन होता है? इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, पावर को जनरेट किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया। बात करते हैं माइक्रोफोन की, जिसको हम माइक कहते हैं। माइक्रोफोन जिसको हम माइक कहते हैं, हमारे पास जो माइक है, हम जो भी बोल रहे हैं वो साउंड एनर्जी है, और वो साउंड एनर्जी माइक कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जो माइक का काम है वो है साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है ना, माइक्रोफोन यानी माइक, इट कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट फंक्शन होता है लाउड स्पीकर का। मान लीजिए हम यहाँ पे जो भी बोल रहे हैं, तो हमारी साउंड एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी इस माइक के द्वारा किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी एम्पलीफाई होके ये पहुंचेगी लाउड स्पीकर के पास। लाउड स्पीकर क्या करेगा? इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और वो साउंड हमें दूर जो लोग बैठे होंगे उनको सुनाई पड़ेगी। बात अच्छे से समझ आ गई? तो यहाँ पर लाउड स्पीकर का काम क्या हो जाएगा? इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू साउंड एनर्जी। और लास्ट में अगर हम बात करें हीट इंजन की, हीट इंजन क्या करता था? हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हीट इंजन में कोयला जलाया जाता है। हीट इंजन में क्या किया जाता है? कोयला जलाया जाता है। तो कोयला से हम हीट को प्रोड्यूस करते हैं। हीट इंजन में कोयला से हीट प्रोड्यूस की जाती है। तो हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी में। फिर वो इंजन घूमता है, वो आगे चलता है। ठीक है ना, तो हीट इंजन का काम क्या है? हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब ये तो हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफर करना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन था। अब हम यहाँ पर एक लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो पावर का। देखिए, हमने एनर्जी के बारे में आपसे क्या बात की? एनर्जी क्या है? एनर्जी है कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर किसी व्यक्ति के पास एनर्जी ज्यादा होगी तो वो व्यक्ति ज्यादा कार्य कर पाएगा। मतलब किसी पर्सन के पास, इफ एनी पर्सन हैव लार्ज एनर्जी देन ही कैन डू लार्ज वर्क, लॉट ऑफ वर्क। अगर किसी पर्सन के पास कम एनर्जी होगी तो वो कम कार्य कर पाएगा। तो ये जो एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क डन के। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के। हमारे पास ज्यादा एनर्जी होगी हम ज्यादा देर तक आपको पढ़ाएंगे, कम एनर्जी होगी हम कम देर तक आपको पढ़ा पाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है, बात समझ आ रही है? तो यहां पर अब लेकिन जब पावर की बात आ जाए तो इस पावर का क्या मतलब है? पावर में टाइम जुड़ जाता है, पावर में टाइम जुड़ जाता है। इसका क्या मतलब है? पावर में टाइम कैसे जुड़ता है? मतलब अगर आपने कम समय में ज्यादा एनर्जी को खर्च किया, अगर आपने कम समय में ज्यादा वर्क डन किया, दोनों ही बातें हैं, एनर्जी और वर्क डन एक ही बात है। अगर आपने कम समय में ज्यादा एनर्जी को खर्च किया या फिर कम समय में ज्यादा वर्क डन किया, तो इसका मतलब आपके पास पावर ज्यादा है। और अगर आपने ज्यादा समय लिया कम वर्क करने में, मतलब आपने जो वर्क है उसे करने में ज्यादा समय ले लिया, आपने एनर्जी को खर्च करने में ज्यादा समय ले लिया, तो इसका मतलब आपके पास पावर कम है। तो जो पावर है ना वो एनर्जी अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। देखिए कैसे गाइस, अगर हम पावर की बात करें तो पावर का मतलब है एनर्जी पर यूनिट टाइम।
यानी जैसे जैसे टाइम कम होगा ना, कम टाइम में आपने ज्यादा एनर्जी खर्च कर दी तो मतलब आपके पास पावर ज्यादा है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पावर को लिख सकते हैं वर्क डन अपॉन में टाइम। इसका क्या मतलब है, कम समय में आपने ज्यादा वर्क कर दिया मतलब आपके पास पावर ज्यादा है, और आपने ज्यादा समय में कम वर्क कर पाया तो आपके पास पावर कम है, या फिर आप ये कह लो ज्यादा समय में आपने कम एनर्जी खर्च कर पाई तो आपके पास कम पावर है। तो जो पावर है और जो टाइम है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। अब पावर क्या हो जाएगी, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, इट कैन आल्सो सेड दैट पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी। मतलब पावर को हम ये कह सकते हैं पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी, यानी शक्ति काम करने की दर है, या ये भी कहा जा सकता है कि शक्ति ऊर्जा की दर है, ठीक। ये आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो बेसिक फॉर्मूला क्लियर हो गया। इसके बाद में आपको याद रखना है पावर इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड विद वेलोसिटी। यानी अगर आपने फोर्स लिया, ये फोर्स है, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और आपने वेलोसिटी ली, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट पावर देता है। याद रखिएगा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर क्या होता है, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। अभी आया कहां से, अभी हम आगे बताएंगे, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। तो इतनी बातें आपने अच्छे से नोट कर ली। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के। जैसे यहां पर हमने एक फॉर्मूला बताया पावर का एनर्जी अपॉन में टाइम, एक फॉर्मूला हमने बताया पावर का वर्क डन अपॉन में टाइम। एक तो हमने लिखा पावर का फॉर्मूला एनर्जी पर यूनिट टाइम, एक हमने पावर का फॉर्मूला लिखा वर्क डन अपॉन में टाइम, क्योंकि एनर्जी और वर्क डन एक दूसरे की फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहां से पावर की यूनिट जूल अपॉन में सेकंड मिल जाएगी, और हमें वर्क डन का यूनिट पता है न्यूटन इंटू मीटर होती है, तो यहां से न्यूटन इंटू मीटर अपॉन में सेकंड, ये भी यूनिट मिल जाएगी आपको, न्यूटन मीटर अपॉन में सेकंड, ये भी पावर की यूनिट होती है, क्लियर है। अच्छा, पावर की यूनिट जो एसआई यूनिट है वो वाट होती है, जिसका सिंबल है डब्ल्यू, जिसका सिंबल क्या है, डब्ल्यू है। तो एक डब्ल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं एक जूल अपॉन सेकंड, इस वाले फॉर्मूले से। सेकंड फॉर्मूले से हम एक वाट को डिफाइन कर सकते हैं क्या, एक न्यूटन मीटर अपॉन में सेकंड। क्या ये बातें समझ आ रही है आपको, ठीक है ना। अच्छा, एक हॉर्स पावर, जो हॉर्स पावर है ना, ये भी पावर की यूनिट होती है। तो एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। पहले आप इतना नोट कर लो, फिर हम आपको और भी एक पॉइंट समझाते हैं, ठीक है ना। यहां तक बात समझ आ गई सभी को, क्लियर। चले अब यहां पर हम बात करते हैं, पावर को हम ऐसे भी लिखते हैं डी डब्ल्यू अपॉन में डी टी। यानी पावर को गाइज हम ऐसे लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर को जो टाइम के साथ वेरी हो रही है, ये होता है डी डब्ल्यू, रेट ऑफ डूइंग वर्क, डी डब्ल्यू ओवर डी टी। इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, डी डब्ल्यू ओवर डी टी। मतलब अगर आपको वर्क डन टाइम के साथ वेरिएशन के साथ गिवेन है, वर्क डन टाइम के साथ वेरी कर रहा है, वर्क डन गिवेन है जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो हम उसका डिफरेंशिएशन कर दें तो हमें इंस्टेंटेनियस पावर मिल जाएगी, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, डी ओवर डी टी को हम बाहर ऐसे ही रहने दें, वर्क डन को हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। क्या लिख सकते हैं गाइज, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं कि नहीं, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है अगर हम फोर्स को कांस्टेंट मान लें तो जो इंस्टेंटेनियस पावर है, फोर्स को हमने कांस्टेंट माना, फोर्स बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डीएस ओवर डीटी। और डीएस ओवर डीटी क्या होती है, ऑलरेडी हमें पता है रेट ऑफ डूइंग, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इसे हम वेलोसिटी कहते हैं। तो यहां से इंस्टेंटेनियस पावर आपको मिलती है फोर्स इंटू में वेलोसिटी, यहां से इंस्टेंटेनियस पावर मिलती है फोर्स इनटू में वेलोसिटी, क्लियर है। और पावर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, पावर है स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये है अगर फोर्स को और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हो और हमें जो पावर मिल रही है जो कि हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं यहां पर। तो जो फोर्स है ना, इस वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका हम अगर डॉट प्रोडक्ट लिखें तो हमें मिलेगा क्या, पावर। हमें क्या मिलेगी, पावर। पावर क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। हमेशा याद रखना, जब भी दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो हमेशा हमें क्या मिलती है, पावर मिलती है, हमेशा क्या मिलती है, पावर मिलती है, ठीक है ना। जब भी हम दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो हमें पावर, मतलब
सॉरी पावर नहीं, जब भी हम दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है, अदिश राशि मिलती है। अब जैसे यहाँ पर अगर हमने फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमेशा हमें पावर मिलेगी, एक शक्ति मिलेगी। क्लियर है? मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है ना? तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे पावर के, ठीक। चले, अब इसके अलावा यहां पर अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द स्लोप ऑफ वर्क टाइम कर्व गिव्स इंस्टेंटेनियस पावर। जैसे हमारे पास ये हमने यहां पे ले लिया क्या, वर्क डन लिया, और इधर हमने टाइम लिया, ठीक है। टाइम और वर्क डन का ये लीनियर ग्राफ है, मान लीजिए अगर हमने इसका स्लोप कैलकुलेट किया, मान लो टेन थीटा आपने कैलकुलेट किया, इसको हम स्लोप लिख सकते हैं, और जो स्लोप आएगा इसी को हम लिखेंगे dW/dt, है ना। तो ये हो जाएगा आपका किसके बराबर, पावर के बराबर हो जाएगा। यानी अगर आपसे ये कह दिया जाए कि वर्क डन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप, वो हमें इंस्टेंटेनियस पावर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको याद रखना है, अगर हम इसके पावर वर्सेस टाइम के कर्व के एरिया की बात करें, पावर टाइम के कर्व के एरिया की बात करें, तो हमें वर्क डन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, वर्क डन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने आपको बोला वर्क डन का फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला हमने आपको बताया क्या है, dW/dt, ये है किसका, पावर का फॉर्मूला, ठीक है, ये पावर का फॉर्मूला है। अब अगर हम यहां से वर्क डन कैलकुलेट करें तो dW बराबर क्या हो जाएगा, पावर इंटू में टाइम dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया तो इधर W बचेगा वर्क डन, तो वर्क डन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं t1 टाइम से लेकर t2 टाइम तक, ये हो जाएगा pdt। मतलब इसका यह है कि अगर आपको पावर गिवन है ना गाइस, पावर गिवन है टाइम के साथ जो वेरी कर रही है, अगर पावर उसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। अगर आपको पावर गिवन होगी टाइम के साथ जो पावर वेरी कर रही होगी, टाइम के साथ पावर वेरी कर रही होगी, चेंज हो रही होगी टाइम के साथ, है ना, वेरिएबल पावर अगर आपको गिवन है जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो आप उसका जब इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको पावर गिवन है pt = मान लो 3t² + 2, इस टाइप से पावर गिवन है। आपसे पूछा जाए t = 10 सेकंड से लेकर t = 1 सेकंड तक पावर वर्क डन कितना होगा, तो आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे, वर्क डन कैलकुलेट करोगे w = 0 से 1, आपने ये लिमिट रख दी, और यहाँ पर पावर कितनी गिवन है, 2t² + 2 dt। इस तरीके से हम इंटीग्रेशन करके वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे, वर्क डन क्या कर लेंगे, कैलकुलेट। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। इसका मतलब यह है कि ये जो ग्राफ गिवन होगा पावर वर्सेस टाइम का, ये जो पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन होगा गाइस, इस तरीके से इधर मान लो टाइम है और इधर मान लीजिए आपकी पावर गिवन है, और ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से गिवन है, ठीक है, 0 सेकंड से लेकर 1 सेकंड तक आपसे पूछा, तो 0 सेकंड से लेकर 1 सेकंड तक आप जो एरिया कैलकुलेट करोगे उसी एरिया को हम ऐसे लिखेंगे 0 से लेकर 1, ये जो पावर गिवन है 2t² + 2 dt। जस्ट हमने एक एग्जांपल लिया है, मतलब ये आपको फंक्शन गिवन होगा पावर का, ठीक है ना। तो आपको ये ग्राफ इस तरीके से कैलकुलेट करना है, ये बात समझ आई सभी को, रिपीट करना है, ओके रिपीट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपीट करना है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखना एक बार। जैसे सबसे पहला जो पॉइंट है ये है वर्क वर्सेस टाइम का, वर्क टाइम का हम स्लोप की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको इस तरीके से मान लीजिए ये एक्स एक्सिस पर आपने टाइम लिया और वाई एक्सिस पर आपने वर्क डन लिया, ठीक है, और इसका कुछ ग्राफ इस तरीके से गिवेन है, तो इसका जब हम स्लोप निकालते हैं ना, स्लोप वो स्लोप देगा क्या, dW/dt, और इसे हम क्या बोलते हैं, पावर बोलेंगे। मतलब वर्क डन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, पावर को रिप्रेजेंट करेगा, ये तो बात हो गई ये, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड जो पॉइंट है, जैसे हमने आपको बोला पावर को हमने कैसे लिखा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, टाइम के साथ जो वर्क डन चेंज हो रहा है, इसको अगर हम ऐसे निकालें, dW की वैल्यू निकालो, dW क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम हो जाएगा, छोटा सा टाइम। अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं तो dW का जो इंटीग्रेशन है वो W आएगा, तो W हमने लिखा, ठीक है, ये वर्क डन आ गया, तो वर्क डन निकल के आ जाएगा pdt। ये मतलब इसका ये है कि पावर को अगर आपने इंटीग्रेशन कर दिया पावर का, तो आपको वर्क डन मिलेगा,
पावर अगर आपका टाइम के साथ वेरी करती हुई मिली, यानी कि जो पावर का फंक्शन गिवन होगा जो टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा, तो और उसकी लिमिट अगर गिवन होगी T1 टाइम से लेकर T2 टाइम तक, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो हमें वर्क डन मिल जाता है, बस दैट्स ऑल। और ये इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया ही तो होता है, एरिया कैलकुलेशन। इंटीग्रेशन हम जब निकालते हैं तो इसका मतलब हम एरिया को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो इस तरीके से कोई ग्राफ गिवन है, इस तरीके से ध्यान से समझ लीजिए, ये मान लो ग्राफ गिवन है, ये टाइम एक्सेस है एक्स एक्सेस पर, और ये आपका वाई एक्सेस पर हमने ले लिया वर्क डन, वाई एक्सेस पर हमने क्या ले लिया वर्क डन ले लिया, सॉरी पावर ले लिया, वाई एक्सेस पर हमने क्या ले लिया पावर ले लिया। अब इस पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है मान लो, ठीक है, इसका कुछ फंक्शन गिवन होगा, इसका जो भी फंक्शन गिवन होगा वो हमने PT मान लिया। अब ये है T1 टाइम, T1 टाइम यहाँ पर 0 सेकंड गिवन है, और हम मान लेते हैं ये यहाँ तक का पूछा है, T1 बराबर T2 बराबर 1 सेकंड तक यहाँ तक पूछा है मान लो, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया होगा इसी एरिया ही को तो हम इंटीग्रेशन बोलेंगे, ये जो एरिया होगा इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे T1 टाइम से लेकर T2 टाइम, और जो ग्राफ है PT DT, ये होता है इसका मतलब। अब आगे बात समझ में, ओके। जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमारे जो वीडियोस हैं बहुत दूर तक, काफी दिनों तक रहेंगे, ठीक है, ये अभी नहीं है, तो ये सभी देखते रहेंगे, जो स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन करेंगे ना उनको मिलते रहेंगे ये वीडियोस, तो डोंट वरी अबाउट इट, कोई इस बात की बिल्कुल भी फिक्र ना करे, कोई इस बात की बिल्कुल भी टेंशन ना ले, ठीक है। आपको बस कंटेंट पे ध्यान देना है, कंटेंट को पढ़ना है, जो हम आपको करा रहे हैं मोर देन सफिशियंट है आपके डिफेंस के एग्जाम के लिए, अगर आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, ये जितने भी हमने आपको यहाँ पर पॉइंट बताए, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस है जो ऑलरेडी हम एप्लीकेशन पर करवा रहे हैं। चलिए, तो ये था हमारा गाइज आज का लेक्चर, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, ये टाइम टेबल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और एम्बाइब एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो भाई डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, क्योंकि आप अगर डिफेंस के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका, और आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, तो आपको कॉन्सेप्ट इजिली समझ आ जाएगा, क्योंकि एम्बाइब एप्लीकेशन पर 3D एनिमेशन के साथ, 3D विजुलाइजेशन के साथ कंटेंट मिल जाएगा, थ्योरी कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, जिसको आप डेप्थ में अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो पता चल जाएगी और आप अपनी प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। और अगर आप सभी क्लासेस की PDF चाहते हैं, जितनी भी क्लासेस हमारे इस चैनल पर होती हैं उन सभी क्लासेस की PDF एम्बाइब अचीव डिफेंस टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है, तो वहां पर आपको डाउनलोड, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDFs को, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में हमने देखे एनर्जी के और पावर के, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, कीप एम्बाइबिंग एंड वी बिलीव इन यू।